हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का इंग्लिश uh, का चैप्टर नंबर सेवन जो आपकी पोएम है हिवाता वाली उसके क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड या जो भी आपके बन सकते हैं वो सो so, सबसे पहले न्यू वर्ड शुरू करते हैं अराउंड विगवैम बीवर्स एक्रोन रेनडियर टिम्ड स्विफ्टली लोजिस बेस्ड एंड सीक्रेट्स वर्ड मीनिंग से सीक्रेट का मतलब क्या होता है हिडन थिंग्स या हिडन कोई भी चीज़ जो छुपा के रखी जाती है वो क्या होगा सीक्रेट बीस्ट बीस्ट क्या होते हैं एनिमल्स बीवर्स यानी कि रोडेंट्स एक्रोन अ फ्रूट ऑफ ओक मतलब ओक ट्री पे जो फ्रूट लगता है वो टिम्ड यानी कि नोट ब्रेव जो ब्रेव नहीं होता जो डरता है ज्यादा नाउ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस जो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं तो प्रेजेंट मीन्स जो काम आप अभी कर रहे हैं एंड पास्ट जो काम आपने पहले किया था उसके लिए कुछ अलग वर्ड्स यूज होते हैं जो काम आप अभी कर रहे हैं उसके लिए कुछ और जैसे लर्न यानी कि मैं अभी वो चीज़ सीख रहा हूँ और लर्ट या लर्न यानी कि मैंने वो चीज़ पहले सीखी थी तो इस तरह से अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं वो यहाँ पर है हाइड हिड टीच यानी कि अभी पढ़ा रहा हूँ टोट पहले पढ़ाया था बिल्ट अभी बना रहे हैं बिल्ट पहले बनाया था टेल अभी मैंने ये बात बताई है टोल्ड पहले बताई थी ग्रो मीन्स अभी वो जो है ग्रो कर रहा है ग्रो उसने उस टाइम पर बहुत ग्रो किया था मीट मिलना पहले मिल अभी मिला हूँ मेट पहले मिले थे रन अभी भाग रहा हूँ रेन पहले भागा था कोल अभी कोल कर रहा हूँ कोल्ड पहले किया था टोक अभी बात कर रहे हैं टोक पहले बात की थी या उस टाइम पे बात की थी लिव अभी यहाँ पर है लिव पहले यहाँ पर रहा था गो अभी जा रहा हूँ वेंट पहले चले गए थे वो लोग ओके सुनाओ क्वेश्चन आंसर हु वॉज हिवाता हिवाता वॉज अ यंग लिटल रेड इंडियन बॉय हु वॉज अ नोकोमिस अब नोकोमिस क्या थे नोकोमिस वॉज हिवाताज ओल्ड ग्रैंड मदर नाउ वट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स अब बर्ड्स के बारे में उसने क्या सीखा हीवाता लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट बर्ड अब उसने उसकी लैंग्वेज सीख ली बर्ड्स की तो उससे उसे जो बहुत सारी चीज़ें पता चली जैसे देअर नेम्स एंड सीक्रेट उनके नाम और सीक्रेट हाउ दे बिल्ट देअर नेक्स्ट इन समर वो समर में अपना नेक्स्ट कैसे बनाते हैं वेअर दे हाइट द आंसल्स इन द विटर और विंटर में वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं वट सीक्रेट डिड ही लर्न फ्रॉम अबाउट बीस्ट और बेस्ट की कौन से सीक्रेट उसे पता चले सो ही वाता लर्न द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द बेस्ट सच एस जैसे बर्ड्स के बारे में उसे पता चली वैसे ही बीस्ट के बारे में भी सो so, बीस्ट के बारे में क्या है देयर नेम एंड सीक्रेट्स हाउ बीवर्स बिल्ट देयर लोजेस वो अपने घर कैसे बनाते हैं वेर द स्कल हेड और देअर एक वो अपने एक्रोन्स को कहाँ छिपाती हैं स्कुरल्स के लिए हाउ द रेन डियर रन सो स्विफ्टली और रेन डियर इतनी आसानी से और इतने आराम से कैसे भाग लेते हैं एंड वाई वॉज द सो रेबिट्स और रेबिट जो इतना डरता क्यों है सो so, ये सब चीजें ये सीक्रेट्स उसे पता चल गए थे बिकॉज उसे बर्ड्स के एंड बिर्ड्स की बातें समझ आती थी उनकी लैंग्वेज उसे आती थी डू यू थिंक डैट हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस क्या आपको लगता है कि उसे नई लैंग्वेज सीखना अच्छा लगता था तो येस हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस हिवाज कोल्ड द बर्ड्स चिकन एंड बीस्ट ब्रदर अब बर्ड्स को चिकन बोलता था एंड बीस्ट को ब्रदर वाई डू यू थिंक ही वट डू यू थिंक हिज शोज अब इससे इस क्या पता चलता है दिस शोज डेटो वाज काइंड एंड लविंग टूर्ड्स बर्ड्स एंड बीस्ट। इससे पता चलता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता था बर्ड्स एंड बीस्ट से ही कंसिडर दम हिज फैमिली मेबर वह अपने फैमिली फैमिली की तरह कंसिडर करता था डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स क्या बर्ड्स के secrets होते हैं So yes, birds do have secrets. उनके secrets होते हैं

ही लिव्ड विद हिस ग्रैंड मदर वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता था शी टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ एनिमल तो वो 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 उन्हें हमेशा क्या करती थी तो हिमाता वाली स्टोरी जो ये मीन्स uh, पोएम है जिसको ये एज अ स्टोरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उन्हें एनिमल की स्टोरी सुनाती थी ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स ही बिकेम अवेयर ऑफ देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स ही केम टू नो अबाउट मैनी थिंग्स तो उसने एनिमल्स की लैंग्वेज सीखी वो उनके जो है नाम और उनके सीक्रेट्स वगैरह उसे पता चल गए उसे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड अबाउट बर्ड सी लंड हाउ दे बिल्डियर नेस्ट इन समर वो गर्मियों में अपना घर कैसे बनाते हैं वेअर दे गो इन विंटर्स विंटर्स में वो कहाँ जाते हैं एंड अबाउट बेस्ट उसने क्या सीखा हाउ बेस्ट बिल्ड देयर हाउसेज बेस्ट अपना घर कैसे बनाते हैं वेयर द स्क्रल हाइड देयर फोर्ड स्क्रल जो है अपना घर खाना जो है कहाँ छिपाती है हाउ द डियर एंड सो स्विफ्ट लियो डियर जो इतने आराम से कैसे भागते हैं एंड वाई द रेबिट वो सो टिम्ड और रेबिट जो इतना डरता क्यों है सो राकेश कोल्ड बर्ड्स एंड बेर्स चिकन एंड ब्रदर्स रिस्पेक्टिवली और वो जो है बर्ड्स को चिकेन और बेड्स को जो है ब्रदर्स बोलता था वैन एवर ही मेट देम ही यूज टू टॉक टू दैम इन दर लैंग्वेज और जब भी वो उनसे मिलता तो वो उनसे उनकी लैंग्वेज में ही बात करता था वे डू द फॉलोइंग लिव अब ये सब कहाँ रहते हैं बर्ड्स कहाँ रहते हैं बर्ड्स लिव इन द नेस्ट रेबिट रेबिट कहाँ रहते हैं रेबिट लिव इन द अंडरग्राउंड बोरोज और वेनस Beavers leaves, Beaver lives in lodges made in ponds. Describe Hivata, his home, and his friend in ten lines. So ten lines to describe karna. Hai. First Hivata was a young little red Indian boy. He used to live with his grandmother called Nokomis. He learned the different languages of birds and beasts. He was kind and loving by nature. He lived in Wigwam. Uh, it was a dome shaped hut made by fasting. फास्टनिंग मेट्स स्किन एंड बैक ओवर द फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स तो यहाँ पर उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि वो जो है एक रेड इंडियन बॉय था अपनी दादी के साथ रहते थे एंड उसे जो है बर्ड्स एंड बीट्स की लैंग्वेज आती थी वो उसका नेचर जो है बहुत लविंग और केयरिंग था वो विग्रम में रहते थे एंड उनका घर जो डोम शेप्ट का था और जिसमें जो स्किन बाक ओवर फ्रेम वर्क पोल पर लगे हुए थे ही द बर्ड्स हेवाताज चिकन और वो उनको चिकन कह के बुलाता था अमंग ओल बेस्ट बीवर्स करल रेंड यर एंड रेबिट वर हिज बेस्ट फ्रेंड और ये सब इसके क्या थे बेस्ट फ्रेंड थे हेवाता यूज टू तो टॉक टू द फ्रेंड एंड एन एन एनिमल वेन एवर दे मिट जब भी उससे मिलते तो वो हमेशा उनसे बात करता था ही केम टू नो देअर नेम एंड ओल्ड देयर सीक्रेट तो उसे जो है उनसे बात करके क्या पता चला उनके सीक्रेट्स उनके नाम भी पता चले क्या है एंड हेवाता यूज टू कोल्ड बेस इज ब्रदर जैसे वो बर्ड्स को चिकन बोलता था और बेट्स को क्या बोलता था ब्रदर वट डिड हिवाता लव अब वो क्या प्यार करता किन चीज़ों को सबसे ज्यादा प्यार करता था हिवाता लव बर्ड्स एंड एनिमल्स सो यहाँ पर दो कॉलम दिए जिसको आपको मैच करना है वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट वेन एवर हु एवर कम्स फर्स्ट वो क्या होगा विनर वैन एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स होते हैं नाउ सम वर्ड्स है साउंडस बट डिफरेंट मीनिंग लेकिन इनके मीनिंग जो है डिफरेंट होते हैं चूज द करेक्ट वर्ड्स From the box and fill in the blanks. The bird sits on a bow. Okay. Now the squirrel has a long tail. अब इसका मतलब स्टोरी होता है इसका मतलब पूछ होता है तो क्या होगा टेल आई का मतलब है कि दो बजे मुझे यहां से दो बजे निकलना होगा is right. ओके ये राइट लिखने वाला ये ठीक So कौन सा वाला आएगा राइट नाउ I can hear. Here means, सुन सकते हैं डू यू हैव अ डू यू नो अ सीक्रेट दोनों नो है नो का मतलब कोई सीक्रेट नहीं है नो मीन्स क्या तुम्हें वो सीक्रेट पता है द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल ये वाला ये दूसरा प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब होता है जो आपके सिद्धांत होते हैं जो चीजें आप फॉलो करते हैं वो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड इन द बुक्स तो यहाँ पर दिया है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स से राम वो जो फार्मर यहाँ पर हम ये यूज़ करना था। He wanted to sell sell his gorse and sheep, so he went went to the market there. He sold all his animals to a rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, three thieves stopped him. "Stop! Give us all your money." ram was very clever he said आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ यू जो तुम्हें से सबसे स्ट्रोंगेस्ट है उसे दूंगा ऑन हेयरिंग दिस द थीर स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देव सेल्स एंड राम स्लिप अविकवाइटली और वो धीरे से वहां से निकल गया न सेकेंड स्टोरी है सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड अ हंग्री फोक्स वॉन्टेड टू हैव डेट ब्रेड सो इट्स सेट वेरी स्वीटली डियर ब्रदर आई हैव हर्ड डेट योर वॉइस इज वेरी स्वीट प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी तो तुम्हारी आवाज़ जो है बहुत मीठी है मैंने सुना है तो क्या तुम मेरे लिए एक सॉन्ग गा सकते हो द फुलिश क्रो ओपन इट्स बीक और वो जो पागल जो है क्रो था उसने अपनी बीक खोली गाना गाने के लिए एंड द पीस ऑफ द ब्रेड फेल डाउन और उसका पीस जो है ब्रेड का वो गिर गया द फोक्स पिक इट अप इन हिज माउथ एंड रन अवे और तभी जो फोक्स ने उसे अपने मुंह में उठाया और वहाँ से भाग गई सो so, ये दो स्टोरी थी जिनमें आपको इस तरह के वर्ड्स डाल के उसे कंप्लीट करना था एक तरह से प्रोनाउ्स आप बोल सकते हैं इसे सो so, ये था आपका चैप्टर ये वाता के क्वेश्चन आंसर वगैरह और न्यू वर्ड जो भी बन सकते थे वो अगर ये पी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू